हम सभी ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, ऊपर वाला उसे किसी भी नाम से पुकारो, वो बोलते एक ही है ना जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, हमें बनाया है। फिर ये धर्म मजहब में हिंदू वो मुसलमान वो क्रिश्चियन, ये सब कहाँ से आ गया ये सब, जब हम एक ही ईश्वर की संतान है। देखिए रिलीजन्स जिनको हम कहते हैं, वो अगर उसके किसी की रिलीजन्स के आप मूल में चले जाएंगे जितना हम उनको जानते हैं, तो कोई ना कोई चरित्र मिलेगा उसके मूल में, कोई व्यक्ति मिलेगा। इसलिए किसी व्यक्ति का चरित्र को बाद में लोगों ने कैसे परिभाषित किया और उसके आगे पीछे क्या बुन दिया, कुछ उसके पीछे नियम प्रिंसिपल्स सब बना दिए, इस तरह से रिलीजन्स वो कहलाने लगे। लेकिन जब वो व्यक्ति था, जरा कल्पना कीजिए, जब क्राइस्ट रहे होंगे तो क्या क्रिश्चियनिटी थी, उनके बाद बने। तो वो किसी ना किसी व्यक्ति का, जब मोहम्मद थे तो क्या उसके पहले इस्लाम था, तो कोई भी, और लोग लीगेसी ढूंढते चले जाने, इसके भी पीर पैगंबर थे, ढूंढते चले जाइए, पर मिलेगा व्यक्ति ही, ऐसे नहीं मिलेगा कि कुछ स्वयंभू जैसा हो गया, मिलेगा व्यक्ति ही, ईश्वर नहीं मिलेगा। हाँ, तो जिसको आप कह रहे हैं उसको जानते ही नहीं है भाई, उसको अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसको जब जानते ही नहीं है उसको, तो वही जान सकता है, तो उन्होंने ये चीजें बना दी। तो ये सारी चीजें तो ऐसे ही हैं कि कुछ सामाजिक एकता के लिए कुछ समय का जो रहा, इस समय ये होना चाहिए, और उसको कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ लोगों को लगा ये कुछ नियम अच्छे हैं, चार नियम उसमें ऐसे लगे कि हाँ लोगों को लगा ये तो सबके लिए मौजू है, वो डाल दिए, बाद में उसका बढ़ता चला गया। तो इस तरह से इनका कोई यथार्थ दृष्टि में, तात्विक दृष्टि से इनका अस्तित्व ही नहीं है। मतलब जिसने वो शुरू किया है, हाँ, वो खुद भी उसी का बनाया हुआ इंसान था, वो उसके बाद वाली जो लोगों ने परंपरा की, अदरवाइज तो जिसको हम धर्म कहें, धर्म की भी परिभाषा यही है, जो आप धारण करते हैं वो धर्म है। तो उसमें भी उसको क्या डिफाइन करेंगे आप, कि आप क्या धारण करते हैं, सुबह आप किसी दिन 4 बजे खाना खा लेते हैं, किसी दिन 8 बजे खाना खा लेते हैं, आप क्या डिफाइन करेंगे उसको कि ये धर्म है मेरा, धर्म को व्याख्या ही गलत हो रही है। तो अगर अगर उस तरह से देखते हैं तो इन सब चीज़ों का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है, जैसे आपकी चेतना उन्नत होती है तो ये सारी चीज़ें खाली इसी उसमें रह जाती हैं कि एक परंपरा, गुरु परंपरा चली आई है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लिविंग टाइम में उस चीज़ का अनुभव करा दिया जो वो करता चला आया है, वही चली आई है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हमने जैसा बताया बनाया है, कुछ समय में भी देखिए आप कितने सारे कल्ट हैं, नई नई विधियाँ लोग लेके आ रहे हैं, ये भी कुछ समय में कौन जाने धर्म बन जाएंगे, कौन जाने रिलीजन कहलाने लगेंगे। तो ये तो ऐसा ही है, इनका इनके पीछे कोई सार जिसको हम कहते हैं सनातन सत्य आपका, वैसा थोड़ा सा वो एक एक ही है, एको हम बहुश्यामी, आप किसी भी भाषा में कहें, किसी भी नाम से पुकारें, जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो वो एक ही है, और हम कह रहे हैं वो आप ही हो। अब आप उस कब तक पहुंचना है आपको, बस उतनी सी यात्रा है, जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन डाउन्स अपॉन यू, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, जिस दिन आपके लिए ये यथार्थ हो गया, ये कोई बाहरी वस्तु नहीं रही, ये खाली शब्द का माया जाल नहीं रहा, आपको किसी से कुछ पूछने की फिर जरूरत ही कहाँ रहेगी। तो जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक यथार्थ प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी यात्रा करनी चाहिए। तो ये इस तरह से इनका कोई, तो आध्यात्म जैसे स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन्स, तो वो उनका वो है, और जो इसमें जाएंगे वो ऐसा ही पाएंगे इसे। मेरा ये पहले गुरुजी थे जिनको मैंने देखा प्रत्यक्ष, जो भी था मैं वीडियो में देखता था, जो पहला एक्सपीरियंस रहा और बहुत बढ़िया रहा, यानी कि बहुत अच्छा लगा कि ऐसे आदमी से मिला, और मिलना बहुत ज़रूरी है उसका भी, मुझे ऐसा सुना।